कलर है खिला जी मैम क्या कहेंगे जिसका एक मिनट जी मैडम थोड़ा थले कर लाना वीर थले कर ला थले कर लाना यार थले कर ला करना ऊपर थले कर लाना यार मैं सर मैं रखे थे जी इधर रखना इधर अपना भी लोगों काटो मैं नहीं रखता है लोगों थले कर तू थले कर लेना यार फिर क्या हो मैडम आपका नाम मेरा नाम सलमा चौधरी है जी आज इंजेक्शन लगाया तो कैसा फील हो रहा है ठीक है बिल्कुल मैं एकदम स्टेबल हूं सब ठीक है तो क्या कहना चाहेंगे वैक्सीन सब करवाएं और सबके लिए इम्पोर्टेंट है इसलिए इससे कोई डर नहीं है सबसे पहले हमने लगवाया बिल्कुल ठीक रहा तो क्या क्या प्रोसेस रहता है लगवाने के लिए हमें पहले रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है SMS आता है रजिस्ट्रेशन के बाद SMS आता है और फिर टाइम दिया जाता है उस टाइम पे आके वैक्सीन अभी बोलेंगे जिस तरह से आज आपने टीकाकरण करवाया है कोविड के लिए क्या कहेंगे बहुत अच्छा रहा टीकाकरण इसलिए हमारी वैक्सीन आ गई है हम तो बहुत खुश हैं फर्स्ट टाइम मैंने वैक्सीन करवाई है आई एम स्टेबल और हम कहते हैं कि सबको आके इसी तरह वैक्सीन करवानी चाहिए टाइम टू टाइम तो क्या गाइडलाइंस दी गई है हॉस्पिटल गाइडलाइंस फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये रजिस्ट्रेशन होती है और उसके बाद हमें SMS आता है कि इस टाइम पे और इस डे पे आपने आना है उस दिन आना है और वैक्सीन करवानी है और 1 month बाद दूसरी इसकी डोज होगी किस तरह का प्रोसेस रहा जहाँ ऐसा बहुत अच्छा रहा हम बिल्कुल ठीक है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही अभी आपने लगवाया है यस अभी लगवाया है क्या अभी एक पौना घंटा हो गया लगवाए तो कोई किस तरह का कोई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई है बिल्कुल उसके असर में उसके हमने लगाए जहाँ पर उन्होंने कोविड का रखा हुआ था वहाँ सिक्योरिटी गार्ड बैठा था उन्होंने सैनिटाइजर और मास्क दिए हमें और हमें वेटिंग रूम में बैठाया 10-15 मिनट के लिए उसके बाद वैक्सीन रूम में चले गए वैक्सीन रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम वैक्सीन रूम में गए उधर वैक्सीन जो भी लगाई उन्होंने वैक्सीन दिया जो भी उसके बाद वेटिंग हाउस में हमें बनाया हुआ आधा घंटे के लिए अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम फिर उसका एक और बनाया हुआ है हमें सर कितना वक्त लगता है इंजेक्शन लगवाने में कहेंगे क्या नाम है आपका और आज आप जी क्या कहेंगे जिस तरह से आज आपको टीकाकरण हुआ है कोविड का मतलब साल के बाद हमें वैक्सीन मिली है हम सभी सबको लगी है कि हमें मतलब लगा था हम सेफ होगी मतलब कोविड में तो लोग लेकिन हमें तो मतलब कि हाँ कि सबको अगर लगे तो सभी सेफ हो जाएंगे किस तरह का प्रोसेस चला है इस समय यहाँ पर यहाँ हम जैसे अंदर किया हमें मतलब ये नाम एंट्री वगैरह उन्होंने दी नाम है कुछ उसके बाद ये इंजेक्शन मतलब लगाया हमें उनको फिर हमें दूसरी वार्ड में रखा फिर हमें अदर जगह ठीक हो गया किस तरह के कोई प्रॉब्लम किस तरह के कुछ नहीं ऐसे कुछ भी नहीं हुआ था वैसे हमें लोगों ने डराया था कि मतलब ये हो जाएगी कुछ होगा आपने कुछ नहीं आया मतलब
क्या मैसेज देना चाहेंगे बाकी पब्लिक को? हम तो यही कहेंगे कि आप इंजेक्शन लगा लीजिए ताकि आप भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं हॉस्पिटल में, पहले उनको ही दिया जा रहा है इसका कार्ड। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलभूषण चंद्र, मैं यहाँ पे एस्टेट काउंसिल सर के। सर क्या कहेंगे आज जिस तरह से कोविड जो ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? आज ड्राई रन का पहला दिन है SMGS हॉस्पिटल में, तो हम सबको मैसेज आया था क्योंकि मुलाजिम इधर ऑफिस में काम करते हैं एटलीस्ट, क्योंकि नर्स को आज नहीं ना बुलाया गया क्योंकि उनकी ड्यूटी कभी डे होती है कभी नाइट होती है, रोस्टर ड्यूटी पे होते हैं वो लोग, इसलिए हमें जो ऑफिस वीरियर हैं जितने भी उनको पहले दिन के लिए इधर ड्राई रन के लिए ट्रायल पे लेकर रखा गया, तो आप सबको वैक्सीन लगाइए। तो किस तरह का फील महसूस हो रहा है? ठीक ही है, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो है नहीं। तो जो पाकी पब्लिक है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको यही मैसेज देना चाहेंगे कि ये बहुत ही अच्छी और सुरक्षित वैक्सीन है और इसको जरूर लगवाना चाहिए। देखिए आज हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए COVID-19 की वैक्सीन का हमने ड्राई रन किया है यहाँ SMGS हॉस्पिटल। ड्राई रन का मतलब होता है इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ ए मॉक ड्रिल टू अचीव द कॉन्फिडेंस एंड टू गेट फुली प्रिपेयर्ड फॉर द एक्चुअल मैच। तो इस पूरी प्रोसेस में जो आज हमने कार्रवाई की है तो 25 हमने बेनिफिशियरी सिलेक्ट किए हैं, रैंडमली सिलेक्ट किया गया था उनको, उनकी ऑथराइजेशन रजिस्ट्रेशन पहले की ओर रखी थी, उनको हमने पहले मैसेज दे चुके थे, SMS उनको हमने अलर्ट किया था। तो उसके साथ साथ जो हमारी यहाँ पे टीम बनी हुई है, एक हमारा वैक्सीनेटर है, 4 वैक्सीनेशन ऑफिसर हैं और एक ओवरऑल सुपरवाइज़र है, तो उनका एक प्रोसेस बनाया है कि जब वो पेशेंट आता है तो पहले सबसे पहले आएगा, वहाँ वेटिंग में बैठेगा, रजिस्ट्रेशन होगी उसकी, फिर वो वेटिंग में उसको चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, फिर वो वैक्सीनेशन के पास जाएगा, उसको लगाया जाएगा, इंजेक्शन लगाया जाएगा, और उसके बाद ऑब्जर्वेशन में कोई और उसको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वहाँ पे हमने पूरा सिस्टम रखा हुआ है, हमारे पे जो भी मेडिसिन चाहिए होती हैं हाइड्रोकॉर्टिसोन और क्या नाम बैटरलिन वगैरह एंड अदर, कोई इंक्यूबेशन करनी है हमारा एनेस्थेटिस्ट वहाँ पे खड़ा है उस कमरे में, उसके बाद हमने वेटिंग में उनको हाफ एन आवर के लिए रखा है, जो भी प्रोटोकॉल्स हैं वो हम सारे फॉलो किए हैं और हमारा बड़ा अच्छा सक्सेसफुल हुआ। टीम हमारी अच्छी थी, मेरे साथ इस वक्त हैं इम्यूनाइजेशन ऑफिसर डॉक्टर पूनम जी और हमारे HOD पेडियाट्रिक्स, आप इनसे भी कुछ पूछ सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। Thank you.